भाई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है, कोई अविनाश से जाकर सीखे। अविनाश बिग बॉस 18 के, जो अपने ही चालाकी करके या फिर ज्यादा ओवर एग्जेजरेट करके कुछ सिचुएशन को खुद ही अब शो से बाहर हो गए हैं। दरअसल बिग बॉस ने एक टास्क दिया घर वालों को कि आप भी चाहते हैं घर में राशन, डिजर्व भी करते हैं, तो चलिए इस राशन को पाने के लिए आपको करनी होगी थोड़ी सी मेहनत अपने दिमाग की। और वो ये है कि आपको दो सदस्य चुनने होंगे जो जेल में जाएं। कौन जाना चाहेगा भाई? कोई भी नहीं। ठीक है, नहीं चुन पाए अगर, तो एक सदस्य ऐसा चुने जो बिग बॉस के घर से अभी के अभी बेघर हो जाए। जाहिर सी बात है कि पहले तो यही कोशिश की जाएगी कि दो लोगों को चुना जाए जो जेल में जा सके, जिस वजह से बिग बॉस के घर में काफी लड़ाई हुई है। कोई अविनाश को भेजने की कोशिश कर रहा है, कोई अफरीन को, और ऐसे में इसी वजह से हुई है बिग बॉस के घर में लड़ाई, जहां पर आरफीन या अरफीन जो भी इनका नाम है कमेंट सेक्शन में लिखेगा, उनके साथ अविनाश की लड़ाई हुई। अविनाश यहाँ पूरी तरह से बौखलाते हुए सिचुएशन में नजर आए। उनकी ये लड़ाई जो आर्ग्यूमेंट थी लगातार बढ़ती चली गई, जो कभी शिल्पा तक पहुंची, कभी किसी तक पहुंची, ईशा के साथ भी इनकी फाइट हो गई। लेकिन चुम के साथ जब ये बहस पहुंची अविनाश की, तो चुम ने साले वर्ड का इस्तेमाल किया, साला है या फिर कुछ इस तरह से वो गाली उन्हें दे रही थी, जो बर्दाश्त नहीं कर पाया अविनाश, और अविनाश ने उन्हें भी पलट कर जवाब दिया, गाली नहीं दी, लेकिन वहां चुम भी चुप नहीं हो रही थी। और इन्हीं पूरी सिचुएशन का, अविनाश के साथ हो रही हर एक सदस्य की लड़ाई का घर वालों ने फायदा जरूर उठा लिया। रजत ने इसमें काफी बड़ा हाथ रखा, जहां पर लड़ाई के बीच में सिचुएशन जब बिगड़ती ही जा रही थी, रजत ने कहा कि हम कोशिश कर रहे थे डिसीजन ना ले, लेकिन लगता है अब डिसीजन लेना ही होगा, अविनाश को शो से बाहर कर ही देते हैं। घर वालों ने कहा कि भाई दिमाग तो सही चला है, चलो चलो ये चीजें करते हैं। और घर में अभी जितने सदस्य हैं उसमें 10 वोट थे अविनाश के अगेंस्ट। जी हाँ, 10 वोट, जो बिग बॉस के घर से बेघर करना चाहते थे अविनाश को। भाई एटलीस्ट अच्छा नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कर रहे थे अविनाश, और बेचारे वो ही बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं। वो अपने पैरों पर शायद थोड़ी कुल्हाड़ी खुद ही मार चुके हैं, सिचुएशन को वर्स से वर्स से वर्स से वर्स्ट करते हुए अपने लिए नजर आए, और इसी वजह से वो बिग बॉस के घर से बेघर हो गए। आधी रात ही उन्हें शो से बाहर निकाल दिया, और अब ऑडियंस जरूर उन्हें शो में वापस देखना चाहती होंगी, लेकिन वो होगी या नहीं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।